वेलकम बैक फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे देखिए दोस्तों मैंने क्लास ट्वेल्थ फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो बना ली है उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जोलॉजी से देखिए दोस्तों आपका जो पहला यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमिटो जिनीस आपको पढ़ना है सिपोर्मेटो जिनीस आपको पढ़ना है ओ जिनीस आपको पढ़ना है एसेक्सुअल रिपोडक्श रिप्रोडक्शन में आपको फिशन बर्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको पढ़ना है मैंसुरल साइकिल आपको पढ़ना है उसके अलावा आपको पढ़नी है एम uh, और एस आपको करना है ठीक है तो अब हम बात करते हैं आपके सेकंड यूनिट की जो कि है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ये आपका सेकंड यूनिट है यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है डीएनए एन ए फिंगर प्रिंटिंग डी एक्सपेरिमेंट जो किया था वाटसन एंड क्रिक ने और हर्शी एंड चेज़ ने और ग्रिफिन एक्सपेरिमेंट वो भी आपको करना है इसके अलावा वो करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन आपको पढ़ना है जेनेटिक डिसऑर्डर आपको करना है उसके अंदर आपको पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस सिकल सेल एनीमिया हीमोफिलिया ये सब भी आपको पढ़ना है इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर में इसके अलावा इसके अलावा आपको करना है जी, जीन क्लोनिंग डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको पढ़ना है डाउन सिंड्रोम पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम आपको पढ़ना है एडेप्टिव रेडिएशन आपको पढ़ना है हार्डी आ, विन बर्ज प्रिंसिपल आपको पढ़ना है अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट की जो आपका थर्ड यूनिट है इसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस उसके अलावा उसमें आपको पढ़ना है टाइफाइड एस्कारीस मलेरिया हैपीटाइटस ये सब भी आपने पढ़ना है इसके अंदर उसके अलावा आपको पढ़ना है इम्यूनिटी इम्यूनिटी में आपको पढ़ना है इन एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसके बाद आपने पढ़ना है एड्स और कैंसर सारा आपने पढ़ना है उसके अलावा आपको पढ़ना है ड्रग्स एडिक्शन एल्कोल एडिक्शन हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोल एंड ड्रग एब्यूज़ और आपने पढ़ना है एक्वाकल्चर के अंदर एक्वा कल्चर आपको पढ़ना है जिसको फिशरीज़ भी कहते हैं उसके बाद हम बात करते हैं आपके फोर्थ यूनिट की जो कि बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है रिप्लिकेशन ऑफ डी एन एंड स्टेजेस और आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी करनी है जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी और जीन थेरेपी अब हम बात करते हैं बॉटनी की बॉटनी का जो पहला चैप्टर है पहला यूनिट है आपका वो है रिप्रोडक्शन यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है पो पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोलिशन आपने पढ़नी है क्रॉस बी और सेल्फ बी मेगा सुपोरो जिन्हें सबको पढ़ना है फीमेल फ़ीमेलो गैमिटोफाइट आपको पढ़ना है पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन आपको पढ़ना है डेफिनेशन आपने कुछ करनी है जिसमें uh, uh, है एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी आपको करना है डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमिन आपको करना है ठीक है तो यह है यूनिट uh, फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हम आपके नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जो है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन यहाँ से जो मोस्ट

आपको करना है बा, बायोफोर्टिफिकेशन आपको करना है बायो गैस आपको करना है सीवेज ट्रीटमेंट आपको करना है बायो फर्टिलाइजर्स आपको करना है माइकोरिजा आपको पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया आपको पढ़ना है बैक्टीरिया इन बायो फर्टिलाइजर्स आपको पढ़ना है और माइक्रो पर... प्रोपागेशन भी आपको पढ़ना है तो ये सभी टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके थर्ड यूनिट की अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ यूनिट की जो कि है बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है ग्रीन रेवोल्यूशन और बीटी कॉटन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके अब हम बात करते हैं आपके लास्ट यूनिट की जो कि इकोलॉजी है ये आपका फिफ्थ यूनिट है बॉटनी का यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है इको सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये करना चाहिए इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको करना है इसके अलावा बायोमास एनर्जी एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सक्सेशन और साइकिल आपको पढ़ना है सक्सेशन ऑन बेयर रॉक फूड चैन फूड वेब इकोलॉजिकल पैरामिडस हॉट स्पॉट ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन पोल्यूशन में आपको करना है एयर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ओजोन शील्ड हाउ क्लोरो फ्लोरोबन इफ़ेक्ट ओजोन लेयर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अलावा पॉपुलेशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स आपको करना है और डेफ़िनेशन आपको करनी है इकोलॉजी की डेफिनेशन भी आपने देखनी है इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ एप भी पे व्हाट्सएप पे और सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करके आपको इस चैनल के आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी